मानी रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ हाथों और पाँव के रंगत दिखाने के लिए कोई जिस्म का कोई भी काला हिस्सा है उसको आप सफ़ेद करने के लिए, उसकी मैल को साफ़ करने के लिए ये बेहतरीन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और ये नेचुरल टिप है, आपको 100% श्योर मैं कहती हूँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरी आजमाई हुई टिप है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलें और आप भी इसको ट्राई करके देखें। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस कमेंट मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपने कहना यह है कि खीरा लेना है छिलके समेत, तो उसका आपने इस तरह पेस्ट बना लेना है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। बेकिंग सोडा लेना है और चीनी लेनी है और ग्लिसरीन लेनी है। इन अज्जा का आपने अच्छा सा मिक्सर तैयार करके अपने हाथों और पाँव पर स्क्रबिंग करनी है। इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट इसका स्क्रब आपने करते रहना है, स्किन पर मसाज करते रहना है, जेंटली मसाज आपने करना है इसका और स्किन पर रैश बिल्कुल नहीं होने देना। आराम आराम से आपने इसको करना है ताकि आपकी स्किन भी अच्छे से साफ़ हो जाए और स्किन में ये अच्छे से जज्ब भी हो जाए, मैल साफ़ होना भी शुरू हो जाएगी, आपको वाजे पता चल जाएगा। आप इसका जब जैसे जैसे मसाज करते जाएंगे उसके ऊपर आपने ड्राई टिश्यू जो होता है उसको आप रब करेंगे तो मैल आपको वाजे नज़र आ जाएगी। जो खवातीन घरेलू कामकाज करती हैं वो ज़्यादा बहुत मसरूफ़ रहती हैं, उनको पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता या उनको मैनिक्योर पेडिक्योर करने का टाइम नहीं मिलता, तो एक टिप लाजमी ट्राई करें। किचन में मौजूद इन अज्जा से अपनी स्किन को निखार सकते हैं, हाथों और पाँव की काले रंगत को निखार सकते हैं, अपने चेहरे के कलर की तरह फेयर कर सकते हैं। ये मैंने आधा खीरा लिया है छिलके से, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 1/4 चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करूँगी। ये सारे अज्जा हमारे हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर कर देंगे। आप चाहें तो गर्दन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घुटनों पर, टखनों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाज़ अवकात ऐसा होता है हाथों और पाँव की स्किन बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, डल होती है, चेहरे का कलर फेयर होता है, गर्दन का कलर फेयर होता है, क्योंकि हम चेहरे पर क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हाथों और पाँव पर हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने घरेलू कामकाज भी करने होती हैं और बाहर आना जाना भी होता है, तो ज़्यादातर हम वक्त नहीं दे पाते हैं हाथों और पाँव की स्किन को। तो ये ज़बरदस्ती टिप है, आप अपने हाथों और पाँव की रंगत को निखार सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। मैनीक्योर पेडिक्योर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ना ही महंगी क्रीमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी, घर बैठे ही आप अपनी स्किन को फेयर बना सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो लाजमी अपने हाथों और पाँव के रंगत के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो वो लाजमी इसको ट्राई करें। डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन इसका लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे ईद तक आपके हाथ और पाँव बिल्कुल गोरे शफाफ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये स्क्रब है जो कि हमने घर में खुद तैयार करना है और उसको इस्तेमाल करना है। चीनी को हमने थोड़ी देर के लिए मिक्स करते रहना है ताकि ये हमारी स्किन पर रैश ना दे सके। ये हमारा अच्छा सा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पर, पाँव पर, हल्के हल्के मसाज के साथ। तकरीबन 10 मिनट के लिए भी आप मसाज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद आपने हाथों पाँव को ताज़ा पानी के साथ वॉश कर लेना है। ज़बरदस्त और मेरी 100% बहुत ही अच्छा मिक्स तैयार हो गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे परेशान लोगों के साथ लाजमी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।